not for profit organizations. There are two types of organization. One is profit seeking and other is not for profit seeking organization. If we have to prepare the account for not for profit seeking organization, we have to know कि वहां पर कौन कौन से accounts prepare करते हैं. जो account profit seeking organization prepare करती है और जो not for profit seeking prepare करती है वो different होते हैं. Profit seeking organization और not for profit firms, इनके एग्जाम्पल में कोई भी ट्रेडिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्सेट्रा. और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स में एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कोई ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई क्लब है, कोई लाइब्रेरी है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, एक्सेट्रा, हॉस्पिटल वगैरह. इसके फर्दर एग्जांपल हो सकते हैं, इतना काफी समझ. अब बात ये है कि अकाउंट्स ये कौन से प्रिपेयर करेंगे. जैसे अगर मैं कहूँ कि ये अकाउंट प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करने के लिए जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंट प्रिपेयर करेंगी, लाइक फॉर फाइनल अकाउंट वो बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन. ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर. उन्हें भी पता करना है कि साहब कितने पैसे इनके पास बचे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इनके पास कितना बचा. इन्हें पता करना है कि साहब ये सरप्लस में रहे, डेफिसिट में रहे, तो ये प्रिपेयर करना है. Receipts and payment account. Second, we prepare करते हैं income and expenditure. Profit making firm में ये जो receipts and payment account का काम होता है वो cash books से होता है, right? Subsidiary book, cash book. और जो प्रॉफिट सीकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक के प्लेस पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं. और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करने के लिए पी एंड एल अकाउंट बनाती है, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है वो इनकम एक्सपेंडिचर. ठीक, अब देखिए हम दिस कि क्या फॉर्मेट हमारे पास हो सकता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का. लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या डिफरेंस होता है कैश बुक और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का. एक्चुअल में फंडामेंटली कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो लॉजिक है रिकॉर्ड करने का अकाउंट्स को उस बेसिस पे चेंज होता है. लाइक कैश बुक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वो कैश रिसीप्ट्स कैश पेमेंट इंक्लूड करती है, राइट, फॉर इन विद इन अ पर्टिकुलर ईयर. और फिर उसके लिए उन्हें जनरल एंट्री नहीं करनी पड़ती, सारे कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं. लेकिन पर्टिकुलरली रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है आपका जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स के द्वारा. अब यहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो हम इसको इंक्लूड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये जो लेफ्ट साइड है रिसीप्ट साइड है,
जो राइट साइड है वो पेमेंट साइड है। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर आता है ओपनिंग बैलेंस। मैं कंप्लीट फॉर्मेट नहीं लिखने वाला हूँ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि लॉजिकली क्या वहां पे आने वाला है, राइट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कह सकते हो उसको आप, या कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो इस नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म के पास है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग, ये आपके पास में डिपॉजिट्स की फॉर्म में हो सकता है, बैंक में कितने डिपॉजिट्स हैं आपके पास, राइट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो सकता है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस की फॉर्म में हो सकता है एटसेट्रा। फिर यहाँ पर आपका जो राइट साइड में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आ जाता है, माय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस ऑफ कैश एट द एंड, जो डिपॉजिट्स होते हैं वही क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पे हमने यहाँ लिखने हैं। डिपॉजिट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। तो इसके बाद टू ऑल रिसीप्ट्स इन कैश आइदर ऑफ कैश आइदर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, जितनी भी रिसीप्ट्स है कैश की वो चाहे कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, सारी हमें यहाँ पर लिखनी होती है। कैपिटल नेचर के लिए एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे बिल्डिंग बेची पैसा आया लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा आया लिखेंगे। रेवेन्यू नेचर का मतलब जो रेगुलर रिसीप्ट्स हैं आपके पास, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट हुए वगैरह, राइट, मेंबरशिप फीस वगैरह रिसीव हुई आपको, वो सब हमें लिखेंगे। मतलब जो रेगुलर पेमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म पेमेंट होते हैं, रिपीटेडिंग नेचर के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, राइट। जो कभी कभार मिलते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, एसेट्स की सेल से रिलेटेड होते हैं, वो सारे कैपिटल नेचर के होते हैं। तो मतलब एसेट्स को सेल करके कैश आपके पास आएगा चाहे रेवेन्यू नेचर की वो रिसीप्ट होगी, सारा आपको यहाँ पे लिखना है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, इंटरेस्ट रिसीव आएगी, इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड इन कैश है तो आएगी। ऑल रिसीप्ट ऑफ करेंट ईयर प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, अब रिसीव हुई इन कैश हुई, अब वो चाहे इस साल की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, चाहे लास्ट ईयर की हो, आएगी इसमें, ओनली इन कैश। और इसके अपोजिट साइड में बाय ऑल पेमेंट्स इन कैश whether of capital or revenue nature, चाहे capital nature का payment हो चाहे revenue nature का payment हो, सारा इसमें आएगा, right? और same as all payments related to previous year, next year and current year। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर एन वाई लिख दिया है, प्रीवियस ईयर पी वाई लिख दिया है, करंट ईयर सी वाई लिख दिया है, राइट। अब मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस आपके पास नहीं है तो डेबिट के सारे रिसीप्ट्स में से क्रिएट का यहां तक का कंटेंट आप लेस करो तो बैलेंस इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मिल जाएगा। अब यहां पर ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, राइट। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए आप क्या हो सकता है। जस्ट जो फर्म है अकाउंट क्लोज करती है दो तरीके से, राइट, या तो करंट ईयर के एंड में अकाउंट प्रिपेयर होंगे या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में अकाउंट प्रिपेयर होंगे, राइट। अकाउंट
closes at the end of suppose calendar year का मतलब 31st December और at the end of financial year का मतलब हो गया 31st March राइट ठीक. अब देखिए इन दिस जस्ट सपोज के करंट ईयर में जो मुझे अकाउंट बनाने हैं वो क्लोज हो रहे हैं 31st December 2018 राइट. तो इससे रिलेटेड जो करंट ईयर का अगर पूरा 12 मंथ्स का ड्यूरेशन में बोलूं तो 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक का टाइम इसमें आ जाए और जो प्रीवियस ईयर का टाइम होगा वो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक का टाइम होगा. और अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो वो इसका नेक्स्ट ईयर होगा 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक का टाइम नेक्स्ट ईयर का. अब अगर अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हमारे 31 मार्च 2018 राइट तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो रहे हैं. तो इन दैट सिचुएशन जो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक का टाइम हम काउंट करेंगे करंट ईयर के लिए और जो प्रीवियस ईयर के लिए हम काउंट करेंगे वो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 राइट. और जो नेक्स्ट ईयर का ड्यूरेशन होगा दैट शैल बी 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 राइट. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है टू लर्न दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जो बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन राइट. फॉर द ईयर एंडेड ऑन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर हम बनाते हैं इसी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करने का पर्पज उसका भी होता है इसका भी होता है लेकिन इसमें हम लोग उसको प्रॉफिट नहीं बोलते उसको सरप्लस बोलते हैं. मतलब अगर हमारी इनकम एक्सेस चली जाती है एक्सपेंडिचर से उसको सरप्लस बोलते हैं और एक्सपेंडिचर एक्सेस चला जाता है हमारा इनकम से तो उसको डेफिसिट बोलते हैं राइट. तो इसमें भी मैं कंप्लीट फॉर्मेट ही बनाने वाला हूँ बस केवल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा. हम यहाँ पर जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस जो केवल रेवेन्यू नेचर के उनको लेकर बनाते हैं एंड दूसरी ओर जो इनकम सारी आती है वो रेवेन्यू नेचर की आती है रिपीटेटिंग नेचर रेकरिंग नेचर राइट. कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं है राइट. तो मैं केवल उसका लॉजिक लिखूंगा जैसे कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है चाहे आपका जो है कमीशन हो रेंट हो राइट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो व्हाटसो एवर इट इज तो हम इसमें अब मैं इनको शॉर्ट में लिखूंगा जैसे करंट ईयर को सीवाई लिखूंगा नेक्स्ट ईयर को एनवाई लिखूंगा प्रीवियस ईयर को पीवाई लिखूंगा ठीक है. तो टू एक्सपेंसेस हमने लिख दिया तो इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग जो भी करंट ईयर का है फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग जो भी प्रीवियस ईयर का है और जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसमें हम लेस करेंगे जो भी प्रीपेड करंट ईयर में है जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर का है फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा यहाँ ठीक है नो प्रॉब्लम. और ऐसा ही काम क्रेडिट में भी होगा जो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है उसको हम लिख देंगे इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हम ऐड कर देंगे. अब आप कहोगे साहब इनकम के लिए तो आउटस्टैंडिंग कहाँ से यूज हो जाएगा इनकम के लिए एक्रूड यूज होता है राइट. ये जो अभी हमने सीखा है कि हाँ साहब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए यूज होता है एक्रूड इनकम के लिए यूज होता है ये सब अभी तक बस आपको आसान रहे सीखने में इसलिए बोला जाता है राइट. लेकिन जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है
उसके हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में, आप उनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। उसके लिए मैं एक नोट भी अभी नीचे लिख दूंगा वर्किंग में, राइट। तो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये जो अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, लेस प्रीपेड करेंट ईयर, लेस सॉरी एड प्रीपेड प्रीवियस ईयर, जो फाइनल अमाउंट होगा वो यहाँ है। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि आपसे कि मैं इसमें नोट लिख दूंगा, साहब आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्रूड होता है, चाहे आप इसको एक्सपेंस के लिए यूज करो चाहे इनकम के लिए यूज करो। यहां पर यही डिफरेंस होगा इस चैप्टर के अंदर कि आप कई कंफ्यूजन आपको शॉर्ट आउट करना सीखना होगा कि आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में कोई अंतर नहीं। आप एक्रूड वर्ड एक्सपेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, इनकम के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग इनकम, नो प्रॉब्लम विद दैट। आई एम टॉकिंग दैट इनकम, राइट। सो प्रीपेड इक्वल्स टू अनएक्रूड, या फिर उसको कह लो एडवांस, राइट। चाहे वो एक्सपेंस की बात हो चाहे वो इनकम की बात हो। तो एक कोशिश की है कि आपका जो कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड कि एक्रूड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अनएक्रूड वो शॉर्ट आउट किया जा सके, जिससे आपको सवाल करने में बहुत इजियर रहेगा, आसानी मिलेगी सब चीज़ों को समझने में। तो इसका टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं, आगे आप मेरे को एक्सरसाइज करें।